इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं. इट इज वेल नोन दैट अ रेनड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स. ये क्या होता है अपोजिंग रेसिस्टिव फोर्स? अर्थ अर्थ का रेनड्रॉप, अगर मान लो ये एक रेनड्रॉप है तो इसके अर्थ का ग्रेविटेशन तो उसको नीचे की तरफ खींचता है. रेसिस्टिव फोर्स कौन सा होता है? रेसिस्टेंस बिकॉज ऑफ एयर, एयर उसको रोकता है. तो द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप. लेटर मतलब रेसिस्टिव फोर्स. लेटर मतलब इस पिछले सेंटेंस में जिस फोर्स की बाद में बात की गई है, बाद में बात किसकी की गई है? ऑपोसिव रेसिस्टिव फोर्स. इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट अदरवाइज अनडिटरमाइंड. सिर्फ इतना ही पता है उसके बारे में, रेसिस्टिव फोर्स के बारे में इतना ही पता है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप. Consider a drop of mass 1 gram falling from a height 1 kilometer. It hits the ground with speed 50 meter per second. What is the work done by the gravitational force? Question, work done by the gravitational force. Work done by gravitational force kitna hoga? Pata hai hum logo ko pehle se already. M into G into H hoga work done by the gravitational force. Ye kitna hoga? Mass is 1 gram. यानी कि 1/1000 इनटू जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 1 किलोमीटर यानी कि 1000, दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ने 10 जूल्स काम किया. सिंपल, ग्रेविटेशनल फोर्स ने 10 जूल्स काम किया. इसका नतीजा क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ. पार्ट बी पे आ जाओ. पार्ट ए का ही दूसरा पार्ट है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? के ई इनिशियल 0 थी. के ई फाइनल क्या थी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड है. हाफ एम बी स्क्वायर से निकाल दो, 1/2 इंटू एम इंटू बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1000 इंटू 50 इंटू 2. ठीक है, 0 गया, 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये जाएगा यहाँ पे 2, 5/4, 1.25 joules. काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ 1.25%. ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया 10 joules, काइनेटिक एनर्जी ने काम किया 1.24 joules. बाकी का कहाँ गया एनर्जी? बाकी का एनर्जी कहाँ गया? इट इज यूज्ड इन ओवरकमिंग द वर्क डन बाय द अननोन रेसिस्टेंस. ये कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के. इन दोनों को ऐड करेंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स ने जितना भी काम किया है उसमें से कुछ काइनेटिक एनर्जी में गया, कुछ इसमें गया. तो यह भी हमें पता है, यह भी पता है, तो डब्ल्यू आर निकल जाएगा. वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू 10 जूल्स माइनस 1.25 जूल्स, दैट इज इक्वल टू 8.